हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। हमने चार टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। कैसे उनमें प्रोनाउन के चेंजेस होते हैं, कैसे उनमें टेंसेज के चेंजेस होते हैं, क्या कंजंक्शन यूज होता है, ये सब हमने सीख लिया। आज ना हम कुछ हटके पढ़ेंगे। देखो, जैसे ये जनरल, मतलब हम कहें ना नरेशन में जनरल यूजेज हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमने पढ़ा होगा कि सेड जो है उसके बाद टू लगता है और उसके बाद मी आता है। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, तो ये टू प्रीपोजिशन लगती है। क्यों? क्योंकि जो सेड है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। फिर जैसे हम इसको बदलते हैं टोल्ड में, ही टोल्ड टू मी, तो यहाँ पे क्या होता है, टू जो है वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो दो वर्ब हैं जो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव होती हैं, और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का फंक्शन करती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। तो कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम समझ लेंगे। वही ऑब्जेक्ट होगा, लिसनर जो है कोई पर्सन होगा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वो हम एक बार मैं लिख देता हूँ सारी वर्ब्स, उसके बाद समझ लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसके अलावा जो और जो वर्ब होती हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये सारी वर्ब्स हैं, देखो सेड की तरह, जैसे सेड है उसके बाद टू लगता है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो वैसे ही सजेस्टेड, रिपोर्टेड, प्रपोज्ड, अनाउंस्ड, अपोलोजाइज्ड, प्रेड, कंप्लेंड, एक्सप्लेंड, डिस्क्राइब्ड, स्पोक, लिसन, टॉक्ड, रोट, ये कुछ और वर्ब्स भी हैं जिनके बाद हमेशा टू लगेगा ही लगेगा। देखो हमारे एग्जाम में ना ज़रूरी नहीं है कि एरर जो है वो इनके अलावा कहीं से आए। ऐसा हो सकता है कि ये वर्ब लिख दी और उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगाई नहीं और सीधा ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो भी हमारे वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद टू प्रीपोजिशन आएगी आएगी, नहीं लिखे तो गलत है, ठीक है। और जैसे टोल्ड के बाद टू नहीं आता, वैसे ही आस्क्ड, बेग्ड, रिक्वेस्टेड, इनवाइटेड, ऑर्डर्ड, थैंक्ड, ब्लेम्ड, विश्ड, ग्रीटेड, इन्फॉर्म्ड, अप्राइज्ड, रिमाइंडेड, वेलकम्ड, कंप्लेंड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, एडवाइज्ड, कॉल्ड, फोन्ड, थ्रेटन्ड, वांड, फॉरबेड एंड अलाउ, तो ये सब, ये कॉम्प्लीमेंटेड, ये सब बाकी वर्ब्स हैं जो जिनके बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आती, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल से इनको समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा He would report, ये भी मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो ना। He would report the officer every day. He would report everything carefully. अब देखो हमें यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। हमारे पास वही ऑप्शन है, टू लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने जो अभी वर्ब पढ़ी ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव थी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इनट्रांजिटिव थी। देखो ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप के होते हैं, हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, फिर से मैं बता देता हूँ, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो थिंग्स होती हैं,
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का रिप्लाई जो होता है व्हाट का रिप्लाई करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हुम का रिप्लाई करता है, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है थिंग्स होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई होता है। और ये जो हमने अभी पढ़ी ना वर्ब्स, वो सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही पढ़ी थी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसे बिहेव करती हैं वो हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जो सारी वर्ब लिखी गई थी वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली वर्ब थी। अब कम्युनिकेशन हम थिंग्स के साथ तो करते नहीं हैं, हम तो कम्युनिकेशन करते हैं पर्सन के साथ। तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी थी जैसे सेड था उसके बाद टू लगाना है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही थी सारी की सारी, ठीक है। यानी उसके बाद जो पर्सन लिखा होगा ना उसके लिए वो इंट्रांजिटिव थी, उसके लिए ही वो ट्रांजिटिव थी जो भी लिखी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द ऑफिसर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एवरीथिंग। अब ऑफिसर लिखा है ये क्या है, पर्सन या थिंग? पर्सन। तो ये है हुम का रिप्लाई, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो हमने पढ़ा कि जो रिपोर्ट वर्ब है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रांजिटिव होती है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ही वुड रिपोर्ट टू ऑफिसर एवरी डे। और जो इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसके लिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही से हो जाएगा, ही वुड रिपोर्ट एवरीथिंग केयरफुली। कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ये बात लिख सकते हैं आप चाहें तो। जैसे मैंने लिखा ही शेड नथिंग, ही सेड नोबडी। अब यहाँ पे है नथिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है नोबडी ऑब्जेक्ट। नोबडी क्या, पर्सन, और नथिंग थिंग्स। हमने पढ़ा कि जो सैड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। ही सैड नथिंग, ये हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा। और ही सैड नोबडी या फिर लिखे मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन हो गया, इसके लिए यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, कमल एक्सप्लेन द थ्योरी केयरफुली। कमल एक्सप्लेन्ड द स्टूडेंट्स केयरफुली। अब देखो हमने दो सेंटेंस लिखे, कमल एक्सप्लेन्ड द थ्योरी केयरफुली, कमल एक्सप्लेन्ड द स्टूडेंट केयरफुली। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है होम का रिप्लाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वॉट का रिप्लाई, यानी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा कि जो एक्सप्लेन्ड वर्ब है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रांजिटिव होती है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। कमल एक्सप्लेन्ड टू होम टू स्टूडेंट्स, कमल एक्सप्लेन्ड वॉट, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, थ्योरी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब है। कहने का मतलब एक्सप्लेन वर्ब जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो है ट्रांजिटिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रांजिटिव। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, मतलब कन्फ्यूज करेंगे अपने को, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन वुड राइट
ए लेटर क्या लिख रहा हूँ, मोहन वुड राइट ए लेटर एवरी मंथ, मोहन वुड राइट हिज पेरेंट्स एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा ए लेटर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा पेरेंट, और वर्ब जो है वो राइट है, ठीक है। अब राइट वर्ब जो है ना ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम के रिप्लाई के लिए तो होती है ये इनट्रांजिटिव, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो थिंग्स वगैरह तो उसके लिए होती है ट्रांजिटिव। तो यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोहन राइट ए लेटर, आदमी क्या लिखता है, लेटर लिखता है या फिर किसी पर्सन को लिखता है, ऑफ कोर्स कोई पेज में लेटर ही तो लिखा जाता है, कुछ लिखेगा उसमें। और मोहन वुड राइट टू हिज पेरेंट्स, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। अगर हम ना एक चीज़ को समझाता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करके एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो इसके दो तरीके हैं। मोहन वुड राइट ए लेटर टू हिज पेरेंट्स, एवरी मंथ। एक तरीका, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोहन वुड राइट हिज पेरेंट्स ए लेटर एवरी मंथ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो दो टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप की होती हैं, एक मोनो और एक डाई। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके बाद या तो व्हाट का रिप्लाई लिखा होता है या फिर होम का रिप्लाई, यानी एक का ही रिप्लाई होता है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके बाद दोनों की रिप्लाई लिख सकते हैं, व्हाट योर होम का। जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब हम लिखते हैं ना, उसके बाद अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, ये लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई, तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करके और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना पड़ेगा होम का रिप्लाई। पर अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना तो ये हमारी टू प्रीपोजिशन की यूज करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को ना इससे रिलेट करके समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ही गेव मी ए गिफ्ट और ही गेव ए गिफ्ट टू मी। इस एग्जाम्पल से रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा तो उसके बाद टू लगाने की जरूरत पड़ी, और जब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट को पहले लिखा तो टू के बाद इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट को पहले लिख दिया तो कोई प्रीपोजिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ये हम करते हैं क्यों है? ये बात भी मैं बता देता हूँ, जिस चीज़ को हमें स्ट्रेस करना हो ना, अगर हमें यहाँ पर यह ना बताना हो कि गिफ्ट दिया किसे गया, ये बताना हो कि गिफ्ट दिया गया, हमें गिफ्ट को स्ट्रेस करना हो तो लास्ट में उसको लिखेंगे। अगर हमें ये नहीं बताना है कि गिफ्ट दिया गया, क्या दिया गया, बस किसको दिया गया इसको स्ट्रेस करना है ना, तो हम ये सेंटेंस का यूज करेंगे। ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद। जिस बात को स्ट्रेस करना है उसको लास्ट में लिख देते हैं।
और ये ध्यान रखना, ये वर्ब जो है ना, हमने जो अभी सारी लिखी थी उनके ऊपर बेस्ड वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मेंस में ना लगभग 20 से 30 नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सारे चेंज करने ही पूछेंगे। कहीं ना वर्ब लिख देंगे ट्रांजिटिव और उसके बाद लगा देंगे टू, और कहीं ना कहीं वर्ब लिख देंगे इंट्रांजिटिव उसके बाद टू नहीं लगाएंगे, तो वो भी गलतियाँ हम कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा राम रोट सीता एक, दूसरा मैंने लिखा राम रोट सीता, तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत? एक बार ना अपने आप भी आंसर किया करो, इससे ना बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ये सीता लिखा हुआ है किसी का नाम, किसी का नाम मतलब इनडायरेक्ट जॉब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ टू की प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने ये लिखा ना कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कोमा में सीता, तो इसका मतलब ये है कि राम ने कोई पेज लिया और उस पर सीता लिख दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो गया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। इसका मतलब ये है कि राम ने पेज पे सीता लिखा, इसका मतलब ये है कि राम ने सीता को लिखा, ठीक है। तो ये ना ये पर्सन है, ये यहाँ पे जो उसने लिखा वो है कि किसी पेज पे उसने सीता लिखा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सही है और ये इसके लिए हमें टू प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे बेस्ड था, जो नरेशन में हमारी वर्ब यूज होती हैं उनके ऊपर। वैसे तो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब चैप्टर में पढ़ते हैं, पर ये जो वर्ब्स हैं ना ये नरेशन में यूज होती हैं, तो इनको हम यहाँ समझते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।